हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नीट फेज टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पे। उस पर रेगुलरली विजिट करते रहना है, अपडेट्स को देखना है और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको फॉलो करना है। आपका जो रिजल्ट है नीट का रिजल्ट आने से पहले आपको ये फेज टू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके बिना आपकी कैंडिडेचर इनवैलिड हो जाएगी। तो इस चीज को दिमाग में फिट रखना है कि फेज टू रजिस्ट्रेशन, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है इज इट मैंडेटरी, तो आंसर इज यस, इट इज वेरी मच मैंडेटरी एंड दिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस, ताकि कैंडिडेट अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आराम से सबमिट कर पाए, किसी भी कैंडिडेट का कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। और जब ये कैंडिडेचर आपकी वैलिड हो जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, जिसका अपडेट जल्दी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट एंड देन काउंसलिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। क्लियर? काउंसलिंग जो है वो DGHS करेगा ऑन बिहाफ ऑफ MCC। काउंसलिंग विल बी डन बाय DGHS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस ऑन बिहाफ ऑफ MCC। क्लियर? और ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है दैट विल बी ए टू स्टेप प्रोसेस। दो पार्ट्स में काउंसलिंग होगी आपकी, दो फेस में काउंसलिंग होगी। ठीक है? ये दोनों राउंड्स कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट बचेंगी, तो उन वैकेंट सीट्स के लिए आपको मॉप अप राउंड में अपने आप को दोबारा रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये जो मॉप अप राउंड होता है आफ्टर टू काउंसलिंग राउंड्स जो मॉप अप होता है, दैट इज ओनली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड ESIC कॉलेजेस। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, होप ऑल ऑफ यू डन द एग्जामिनेशन, वेरी गुड। क्लियर? तो इस एग्जाम का जो भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा और जो अपडेट्स हैं, उनके लिए रेगुलरली आप neet.nta.nic.in में विजिट करते रहिए। एंड ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग यू द अपडेट्स रेगुलरली। सी यू टिल देयर इज नेक्स्ट अपडेट। गुड बाय।